यहाँ पे देखो ये दिखाई सब मेरे से बड़े हैं, ये मेरे पे हुक्म चला रहे हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं राधिका ढौंडियाल एक बार फिर आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस ढौंडियाल में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ से शुरू। तो पहले बता देती हूँ, आज का ब्लॉग शाम क्या रात ही हो गई है, 6:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और आज डाला है मैंने सूट, ये मेरा शादी का सूट था। और ये मधुबाला भी हो चुकी है रेडी। और आज जा रहे हैं हम, हमारे बगल में रिलेशन में मामा मामी है हमारे, तो आज उनकी शादी की सालगिरह है। सुबह उन्होंने हमें इनवाइट किया था, पहले तो पापा का कॉल आया, फिर स्पेशली मामा जी हमारे घर पे आए हमें इनवाइट करने। घर पे तो मैं, पापा, मधु और कमलेश ही हैं, लेकिन हम तीनों ही जा रहे हैं। कमलेश बोल रहा है कि मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है तो वो नहीं जा रहा, तो हम तीन ही जा रहे हैं। पापा भी रेडी हो चुके, पापा तो बाहर चले गए, चलो जल्दी जल्दी। तो चलो अब निकलते हैं। तो आज मधुबाला बिल्कुल खुश हो रखी है, आज इसने नई स्वेटर निकाल दिया अपनी। है टॉप है। तो दोस्तों उनकी तो सालगिरह है और पापा लाए उनके लिए गिफ्ट। अब मुझे बोल रहे तुम ही दोगे, बल ला ले जाने के लिए पापा ले जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मामा जी के घर पे। सबसे पहले तो मामा जी को बहुत बहुत बधाई उनकी वैवाहिक जीवन की, मतलब एनिवर्सरी है उनकी, तो आपको बहुत बहुत बधाई मामा जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो कितने साल हो गए मामा जी आपको? ये 41 साल। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आज आपको? बढ़िया 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 लग रहा है। अच्छा, तो आप हमें कुछ बताना चाहते हैं कि मतलब आपका वैवाहिक जीवन कैसे रहा अभी तक? बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। आप लोग मतलब हमें कुछ सीख देना चाहते हैं क्योंकि अब हम भी वैवाहिक जीवन में हैं। आपस में प्यार प्रेम होना चाहिए। अच्छा। और कोई भी बात हो तो उसमें बैठ के समाधान होना चाहिए, मतलब कोई चीज ऐसे मतलब नहीं होना चाहिए कि मान लो एक दूसरे के साथ मन मिलाई वाली। हाँ जी बिल्कुल मामा जी, आपस में प्यार प्रेम बहुत जरूरी है वैवाहिक जीवन के लिए। और कभी झुकना पड़ता है कभी झुकाना पड़ता है, दोनों चीज होती है। सही बात है। और ये मामा जी की प्यार इसी नातिन है, बेटी की लड़की, बहुत बदमाश है ये, है ना? हेलो बोल दे। हेलो हेलो, ये बंदर है, बंदर बंदर। उसके मामा बोल रहे हो बंदर है बंदर, ये मोंगी है मोंगी। और क्या बोल दिया? बनाना क्या खाता है? बनाना मोंगी खाता है। ऐसे उछल रही है ना बंदर। दोस्तों ये रही हमारी मामी जी, मामा जी की वाइफ। तो आज इन्हीं की एनिवर्सरी है। पहले तो आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके वैवाहिक जीवन को। 41 साल पूरे हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है, है ना दीदी जी? हाँ, कुछ बोलो ना। हाँ, तो आज इन्होंने हमें दिया था इनविटेशन, जो हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सबका चल रहा है फोटोशूट। देखो यहाँ पे कोई नहीं, दूल्हे जी और दुल्हन मैडम जी फोटो ले रही है। तो दोस्तों ये हमारी दीदी जी है, मतलब हमारी जो बुआ है उनकी बहू है, बड़ी बहू, बड़ी बहू और छोटी बहू है। अब पता नहीं ये कैमरे में आने के लिए इतना शर्मा रहा है ना सबके साथ। ये हमारी दीदी जी है जो मामी जी है उनकी बेटी सबसे बड़ी, और ये हमारी बुआ की छोटी वाली बहू, और ये मेरी बेटी, और ये है इनकी प्यारी सी गुड़िया। आओ दीदी। और ये हमारी बुआ जी। हेलो, बोला बोला सब बोला। हेलो, मेरी लेडीज टीम जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया भी है? यस, फुल सपोर्ट है, बस लाइक। अभी सब कर रहे हैं केक का वेट, कब होता है केक का मर्डर, कुछ पता नहीं है। तो देखते हैं अभी। तो दोस्तों ये रही हमारी
हमारी दीदी जी है, ये है बड़ी जो बुआ है उनकी बेटी, और इनकी भी बेटियां यहाँ सबकी गुड़िया है। तो देखो ये सब यहाँ लेडीज पार्टी ही है, पता है मुझे। कुछ भी बोल देती है। और हाँ कमेंट में जरूर बताना कि सबसे सुंदर कौन लग रहा है सबके चेहरे दिखाकर। नहीं हमारे बच्चे ही हम। सही बात है, हमारे बच्चे ही हम लग रहे हैं। देखो तो ये है नई दुल्हन, अभी 2 मंथ हो गए है ना। हाँ 2 मंथ हो गए शादी को। तो ये भी मेरी जेठानी, जेठानी ना, जेठानी है। ये सब मेरे से बड़े हैं, ये मेरे पे हुक्म चला रहे हैं। नहीं यार मैं तो ऐसे जोक मारा, ऐसा कुछ नहीं है, पर बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसे इन्विटेशन भी होने चाहिए, सभी से मिलना जुलना हो जाता है। और एक एक करके आ रहे हैं यहाँ पे मेहमान, और अभी भीड़ देखो तो, मधु देखो तो, वो बोर हो गई। सब नमस्ते नमस्ते करते हैं। तो अब हो गई है तैयारी, तो अभी चलते हैं। तो ये है केक, ये है हमारे दूल्हा दुल्हन, और यहाँ पे और भी गेस्ट वगैरह हैं। बहुत भीड़ हो रही है। मम्मी ने दे दी है मम्मी को माला, चलते हैं। ये सारे बटन लड़कियां वाले हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष। केक भी हो चुका है रेडी, फोटो खींचा ना, फोटो खींचा। अभी किंडू बांट रही है बच्चों की खुशी के लिए, क्या क्या किया जाता है। पापा हमारे तरफ से पापा दे रहे हैं उनको मामा जी की पूरी फैमिली, और ये है मामा जी की पुत्री। तीन फोटो खींचे, वो अपनी पुत्री को बुला रहे हैं। ये आ गई उनकी पुत्री भी। तो ये तीनों है देवरानी जेठानी, सबसे बड़ी, फिर बीच वाली, फिर सबसे छोटी देवरानी। अभी दीदी और भी आ गए हैं, बड़ी दीदी की बड़ी वाली बहू, और ये है भैया उनके बाल गोपाल। अरे ये दोनों देवरानी जेठानी। और यहाँ हो रहा है केक का मर्डर, दीदी दे रही है यहाँ पे है सब। ए अभी मी भी बज गयू, हाँ मी था नहीं मिल, किसी ने मिला। फाइनली मुझे भी मिल पाया, और यहाँ पे सब अभी ले रहे हैं, तो चलो पहले ठूस लेते हैं। इनकी कॉमेडी देखो तो, यहाँ पे देखो ये दिखाई, और यहाँ पे भैया कर रहे हैं फोटो शूट।
हमारी यहाँ पे बन रही है पूरियां, हम सब हैं। कहाँ गए ये लोग? इधर लगे पड़े हैं बहुए। भी है हमारे साथ बेटी तो फुल फॉर्म में आ रखे है, साड़ी के साथ। अभी इधर बन रही है पूरी। तो ये देखो दीदी का सगोर। हाँ दीदी बोल रही है बल जैसे मैं फूली हूँ वैसे बल मेरी पूरी भी फूल रही है, और सच में फूल रही है, सच में दोनों फूली है। इनको देखो, ये तो भाई खाते पीते नहीं है शायद, है ना? मुझे ऐसी फूली पूड़िया किसी ने दी नहीं। आज खा लेना दीदी आप पेट भर के। चलो दोस्तों अब हो चुका है हमारा खाना वगैरह, इन्होंने मेरे को जल्दी खिला लिया था, मेरी सब बहनों ने दीदियों ने। और तो चलो अब चलते हैं, बाय बाय। तो बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली दीदी इनको आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका ही। तो चलो अब मैं चलती हूँ क्योंकि दूर मैं ही रहती हूँ, ये सब पास पास वाले हैं। तो बाय बाय। कुछ भी है कुछ भी। अब हो गए इनकी बोलती बंद, बोलने ही नहीं आता। तो चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन। यहाँ पे खाना हो रहा है। तो दीदी अब कमलेश वो नहीं है उसके लिए रख रही है यहाँ पे केक। तो दीदी यहाँ सच में बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छी अरेंजमेंट कर रही थी सबने, बहुत अच्छा खाना बनाया था, आपको धन्यवाद बहुत बहुत। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम अपने घर पे। तो आज का इनविटेशन कुछ ऐसा रहा, आपको पसंद आया होगा, और कसम से हमें भी बहुत अच्छा लगा। वैसे होना चाहिए ऐसी चीज़ें भी, बहुत अच्छा लगता है बड़ों के साथ। और मामा और मामी भी बहुत खुश हो रहे थे, वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा उनके चेहरे से। और हाँ दोस्तों कमेंट में उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना, ठीक है? तो चलो फ्रेंड अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आप सब लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।